हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर ट्रिक। तो आइए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या वाकई विंडो में मैं गूगल प्ले स्टोर यूज कर सकता हूँ तो नहीं। तो मैं फाइनली आपको सर्च करके बताता हूँ। मैं इसे सर्च कर चुका हूँ ऑलरेडी और मैं चेक करूँ वाकई वो पर्सनल वेबसाइट कौन सा है। तो गूगल प्ले स्टोर है, लाइक कि एंड्रॉयड में वो गूगल पे सॉरी प्ले स्टोर है, सिर्फ इसमें गूगल प्ले स्टोर है। और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके चेक करता हूँ क्या वाकई मैं इसका यूज विंडो में कर पाता हूँ या नहीं। तो बने रहे आप मेरे वीडियो में और इधर उधर देखें नहीं। अगर कोई मिस्टेक करता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि सर आप ये चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आइए फॉर एग्जांपल मैं देखता चलूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी चाहिए, इसे डाउनलोड करनी चाहिए। और ये किस तरह से डाउनलोड करेगा सर, मैंने पहले ट्राई किया, इसे डाउनलोड करता हूँ तो वो सेवर्स फाइल में जाकर सेव होता है और वो फिर इंस्टॉल नहीं होता। तो मुझे क्या करनी चाहिए, क्रिएट शॉर्टकट करनी चाहिए, राइट। तो सर देखिए, सेव एंड शेयर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से आने के बाद क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है मुझे। सो मैं बैक हो गया किसी कारण और मैं क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक विंडो पे जा कर के सेव हो जाएगा और वो प्ले स्टोर से भी दिखने लगेगा। तो आइए मैं फाइनली आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा शायद, मैं भी। तो मैं आपको फाइनली दिखाता चलूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको बैक करके और आपको दिखाता हूँ। देखो सर, ये मेरा प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर विंडो में कुछ शो करने लगा। तो आइए मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने कई दफ़ा टैप कर दिया बट ओपन नहीं हुआ। सॉरी, ये ओपन हुआ तो 5 लेयर में हुआ। तो मैं कुछ लेयर को साइड कर देता हूँ और जिस लेयर में समझ में आएगा मैं उसमें समझा सकता हूँ आपको। तो देखो सर, इसे मैंने फाइनली ओपन कर चुका है। जो चीज़ मुझे वो क्रोम वेबसाइट में दिख रहा था और सेम इसी में दिख रहा है, द मोबाइल गेमिंग टू योर पीसी। सर अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड हो जाता, पर मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता सर। क्यों, आप भी जानते कि मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप आता है और पीसी में सॉफ्टवेयर आता है, इसलिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, इन सब लोचा में मत पड़े। थैंक यू।